वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट की रेसिपी, या फिर आप इसे स्नैक्स में भी दे सकते हैं, चीज़ उत्तपम। और इवन आप इसे खुद के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। यस, यू जस्ट हैव टू स्किप दिस चीज़ पार्ट, सो लेट्स बिगिन विद। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डोसा बैटर पहले ही से लेके रखा हुआ है, और उसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और धनिया पत्ता। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि ये रेसिपी हो जाएगी और भी हेल्दी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मर्ज़ी से खाना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर दिया है यहाँ पर मैंने। अब इसे बस अच्छे से मिक्स करें। तवा को गर्म होने के लिए ऑलरेडी मैंने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर, और अब तवे पर मैं थोड़ा सा बटर लगाऊँगी। और बटर लगाने के बाद ये जो उत्तपम बैटर है ऑलमोस्ट 2 बड़े चम्मच भर के इसमें आप डालें, और इसे इवनली फिर हम स्प्रेड कर देंगे स्पून से ही। फ्लेम को हमेशा मीडियम पे रखें। अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो उत्तपम एक साइड से जल जाएगा और अंदर इसका जो पार्ट है वो पकेगा नहीं ठीक से, और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा ऑफकोर्स। और अगर आप बहुत ज़्यादा कम फ्लेम पर पकाएँगे तो उत्तपम सॉफ्ट और फ्लफ़ी नहीं बनेगा, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और जब एक साइड से आपको ये लगे कि पकने लगा है तो इसको हम आराम से लेके इस तरह से पलट देंगे। और पलटने के पहले फिर मैं तवे पे थोड़ा सा बटर लगा दे रही हूँ। बच्चों के लिए भाई बना रहे हैं तो थोड़ा रिच तो होना चाहिए खाना, क्यों, है ना। सो बस इस तरह से इसको दूसरे साइड से भी पका लेंगे। और यहाँ पर मैंने मोजरेला चीज़, मेरे पास स्ट्रिंग मोजरेला चीज़ था, उसको कट करके रखा है इस तरह से। आप चाहे तो ग्रेटेड चीज़ अगर आपके घर पे हो तो वो भी डाल सकते हो। और इस पर थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे जब तक ये उत्तपम दूसरे साइड से पकेगा, तब तक ये चीज़ भी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी। और बच्चों को बहुत पसंद आता है, कभी कभी तो मैं श्रीहान को ऐसे शॉर्ट पिज़्ज़ा, होममेड पिज़्ज़ा बोल के खिला देती हूँ। इसमें दाल है, चावल है, सो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सब्जियाँ हैं, और चीज़ भी आपने ऐड कर दिया तो फिर से प्रोटीन और कैल्शियम ऐड किया। ड्राई फ्रूट पाउडर अगर आप डालते हो तो ड्राई फ्रूट पाउडर के भी गुण हो जाते हैं। तो ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट या फिर इवन डिनर भी आप इसे दे सकते हो बच्चे को। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सी यू ऑल इन अनदर वीडियो। अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हो, कोई और वीडियो इस चैनल पे देखना चाहते हो, सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।